आपके किट्टू वापस से आ गई है आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो सिंपली मैं अपना वजन कम करने के लिए आज से वर्कआउट करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो अब थोड़ा सा मुझे अपने बॉडी का फैट्स निकालना है, फैट कम करना है, तो अब मैं वर्कआउट करूँगी। और आज मैं फर्स्ट डे वर्कआउट पे आई हूँ और मैं पिछले 10 मिनट से साइकिलिंग कर रही हूँ, और साइकिलिंग करते करते यू नो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, यू नो बॉडी का वेट जो है, फैट्स जो है, पसीना निकल रहा है, अच्छा लग रहा है। यू नो साइकिलिंग करना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। साइकिलिंग करने से हमारी जो मसल्स होते हैं और बॉडी का जो यू नो बाकी के फैट्स होते हैं वो निकलते हैं। और ये देखो बीच में डिस्टर्ब करने के लिए मेरी सिस्टर कॉल कर रही है मुझे, बट मैं अभी किसी का कॉल नहीं उठाऊँगी क्योंकि मुझे अपने वर्कआउट पर फोकस करना है, मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। तो 10 मिनट हो गए हैं लगभग मैं साइकिलिंग करते हुए, और मेरे अचानक से दिमाग में आया कि ना ब्लॉग शूट किया जाए। ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे तो एक ब्लॉग भी शूट किया जा सकता है ना, इतना आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं एंटरटेन करती हूँ। और वर्कआउट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं बताती हूँ, क्योंकि आज मैंने दबा के सैंडविच खाया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ और वो जो बटर वगैरह है उसको निकालना भी पड़ेगा ना बॉडी से, तो इसलिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ घर के पास एक गार्डन है और उसमें वर्कआउट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए गए हैं, तो एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अभी ये देखिए, ये एक साइकिल है प्रॉपर, इस पर मैं साइकिलिंग कर रही हूँ और पिछले 10 मिनट से कर रही हूँ, तो मेरे पैर में अभी थोड़ा सा दर्द होने लगा है। तो अब हम दूसरा एक्सरसाइज करने जाते हैं, फिलहाल तो ये साइकिल मैं छोड़ रही हूँ यहीं पे। अंकल को साइकिल पे बैठना है, अंकल साइकिल पे बैठ गई वेट करने के लिए इतनी देर। अंकल भी हेल्थ इज वेल्थ वाला काम कर रहे हैं, अंकल बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अंकल का पहले मेरे को दिया इसने, तो बहुत धन्यवाद उसका। और मैं अभी साइकिल चल रहा है। अंकल क्या कहना चाहेंगे जो लोग मतलब वर्कआउट नहीं करते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है क्या, अभी सबके लिए तो ये देना पड़ता है थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट, ऐसा सबके लिए ही है। गार्डन तो हमारे अकेले के लिए नहीं है, तो ये सबके लिए गार्डन है, तो अपने दिया होता है। हाँ, हर दिन आता है। हम इधर रहते हैं, हम इधर ही रहते हैं, पास में ही रहते हैं। अच्छा, इधर रहते हैं। हाँ, तो आप भी ऐसे ही सबकी तरह वर्कआउट करने आओ। अभी आज ही शुरू किया ना। हाँ, वही बोलता है। आप बोलता है क्या, मैंने सैंडविच खाया, सैंडविच खाते वर्कआउट करने आए, ऐसा तो गलत है ना थोड़ा। तो वही बोलता है, कम करना है तो बाहर का खाना, वही बोलते बाहर का खाना। लेकिन मेरे को भी क्या है, अभी ये करके मेरे को पौन घंटा में चलाता है, कभी एक घंटा, कभी तो ये जाके ना के बाद में मैं ना सकूँगा। अच्छा, दोस्तों आपकी किट्टू थक चुकी है लग रहा है, एक मिनट नहीं हुआ है लेकिन इनकी थकान इनकी चेहरे पे पहले भी करके जा चुकी है एक्सरसाइज। ठीक है, ये दूसरी बार करने आई हूँ मैं। ओके, मतलब आज मैंने बहुत एक्सरसाइज किया है, पर ये गाड़ी चला रहे मजा आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है गार्डन में खेल रही हूँ। एक्सरसाइज खेलते करते करते मजा आना चाहिए, तभी आप अच्छे से इंजॉय करके कर सकते हो। अब मेरे हाथ में होने लगी है दर्द, दूसरे वाले की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक मुझे बाइक मिली है, ये बाइक है, बट ये पैरों की एक्सरसाइज है, जो हमारे मसल्स होते हैं ना इससे स्ट्रांग होते हैं मसल्स, यू नो, और जो खून का दौरा होता है वो तेज़ हो जाता है इससे, ये एक्सरसाइज करने से, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, तुक्का मार रही थी, मुझे भी नहीं पता है क्या होता है, बट जो भी है करते रहो। वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। इसमें आवाज़ आ रही है यार बहुत। तो गाइस ये करते करते भी मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब टायर्डनेस फील हो रहा है, पैर में दर्द होने लगा है। ये ना बहुत दिन के बाद एक्सरसाइज करो तो ऐसी ही कुछ हालत होती है जैसे अभी मेरी हो रखी है। तो आइए अगली को गाइस, अभी ये अगला इक्विपमेंट मिल गया है मुझे, ये बच्चा। अब ये ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ। 80 किलो की लड़की देखिए कैसे एक्सरसाइज कर रही है। वजन नहीं बता रहा शिक्षा, बड़े मज़ा आ रहा है करने में, खुद को लिफ्ट करने में एक अलग ही सुकून है। इससे ना आर्म्स की एक्सरसाइज अच्छी हो रही है। करते रहो काजल, कम ऑन, वजन कम करना है काजल, वजन कम करना है। खुद को तसल्ली देने के लिए बोलना पड़ता है।
पटने। देखो यहाँ पे आंटियाँ भी कर रही हैं, तो उनसे सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सोनिका कुछ कहना चाहेंगी आप? बस तुम्हें देख के आफत आगे करने का भी मन नहीं कर रहा है। अरे और सच में बहुत दिनों बाद कर रहे हैं ना, तो आज पूरा बॉडी पेन हो रहा है यार। बहुत दिनों बाद नहीं, पहली बार कर रही हूँ। ये भी सही कह रही है। मैं तो बचपन में साइकिल चलाते थे, बट ये सब नहीं कर रही थी। और तुझे पता नहीं शायद 12th तक मैं चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन। हाँ, जिसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं था। शट अप, एक राउंड में कोई नहीं खड़ा था। आ जा दूसरे वाले पे। ये वही है शायद? नहीं ये दूसरा है। अच्छा, ये ऊपर करना पड़ता है हाथ ऐसे, उसमें साइड में करना पड़ता था। बहुत हार्ड है। फर्स्ट दिन में हवा निकल गई यार। इसके बाद हम करेंगे डिस्को डांस। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्को डांस क्या होता है, अभी दिखाऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस रखो। ऐसा लग रहा है मैं मर रही हूँ। तो ठीक है यार, कोई नहीं, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और अभी मैं क्या क्या बोल रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट के मूड में हूँ। सो ये देखिए, गाइस अब मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ हो पाएगा। लास्ट है जी, चलो चलो अब लास्ट है, लेकिन आंटी कर रही है तो हम वेट करेंगे 2 मिनट। जब तक आंटी नहीं कर लेती है तब तक तुम वीडियोस बना मेरे। आ रही हो? अब ना हो पाएगा मुझसे। कम ऑन काजल, आई एम डन। चलो गाइस अभी आंटी कर रही है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्यास लगी है बहुत तेज़, लेकिन हम वर्कआउट करते समय पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उससे पेट में दर्द होता है। तो कभी आप वर्कआउट करते समय पानी मत पीना, क्योंकि उससे पेट में ना बहुत दर्द होता है। नहीं करना अभी, बच्चों से बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी यू नो आई एम द मूड ऑफ एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए। ये डांस करना अभी ऐसे भी हम कुछ कर सकते हैं, खड़े खड़े ना क्या ऐसे ऐसे। ये सोनिका क्या कहना चाहोगी आप? लगे रहो डेडिकेशन के लिए। आई एम सो, क्लास एक्सरसाइज करेंगे फिर हम जाएंगे घर। नहीं अभी थोड़ा सा वॉक भी करेंगे, 2 राउंड वॉक करेंगे ना, क्या बोलती है? करेगी वॉक? नहीं तुम्हें देख के इतनी थकान लग रही, क्या बताऊँ मैं। इनकी भी हवा टाइट हो चुकी है, अब ये भी नहीं करना चाहेंगी। अरे और अभी मैं गिरने वाली थी बट बच गई। तो कभी भी ऐसा रिस्क ना उठाएं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज पे फोकस करिए और मज़ा करिए। वैसे मुझे इसमें खूब मज़ा आ रहा है, मेरा बॉडी पूरी स्ट्रेच होती ना थकान के बाद, लग रहा है सब थकान निकल रही है मेरी। बहुत मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करने में। और चची यानी कि सोनिका क्या कहना चाहूँगी आप मेरे फिटनेस के बारे में? लग रहा है 1 महीने के अंदर अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूँगी तो कम हो जाऊँगी। हाँ जरूर, 80 से तुम 79 तो हो ही जाओगी। गलत वेट वजन मत बताओ यार, अंकल ने बताया यार ये तुम्हारा वजन। वो तो यार अंकल ने गेस किया, तुक्का मारा, तुम बताओ कितना होगा? आई थिंक 65। थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया तुमने। 62। एक कम, 63। Okay. मैं लाइफ अपना वजन बता रही हूँ, जो कि बहुत कम लड़कियाँ बताती हैं, इवन कोई बताता ही नहीं है, बट मुझे शर्म नहीं आती है 63 बताने में खुद को, क्योंकि हाँ मैं खाती पीती घर की हूँ फिलहाल तो। और थोड़े दिन में वज़न कम हो जाएगा तो फिर मैं आपको, मेरा टारगेट है मैं 55 कर लूँ खुद को, क्योंकि इस समय यू नो फिट रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ओवर वेट होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इसी वजह से मैं एक्सरसाइज करूँगी, खुद को 55 पे लाऊंगी 63 से। और अगले हफ्ते मैं वज़न करूँगी अपना, देखूँगी कि कितना वज़न घटा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने मेरे वर्कआउट से क्या सीखा, कुछ सीखा भी नहीं सीखा ये भी बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और ऐसे इंटरटेनिंग ब्लॉग लेकर आती रहूं, आप सभी को एंटरटेन करती रहूं। अपनी किट्टू को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।